नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़ी खबरों। मुंबई से आई हूं गणेश उत्सव मनाने। जी हां, प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। प्रयागराज में खोआ मंडी कोतवाली क्षेत्र में मुंबई से आई एकता केसर ने गणेश पंडाल उत्सव में गणेश जी की पूजा अर्चना किया, जिसमें अपने पिता के साथ आरती की और अपने बारे में बताया कि मैं मुंबई से आई हूँ और यहाँ पर गणेश पूजा करने आई हूँ। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक लगातार भगवान गणेश जी की सुबह शाम पूजा होती है, उनकी आरती होती है। सारे भक्त आते हैं और पूजा आरती में सम्मिलित होते हैं, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गणेश जी विघ्नकर्ता हैं, सारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए लगातार 10 दिन तक भगवान गणेश जी की पूजा विधिवत होती है। 11वां दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन बाजा गाजा के साथ गंगा जी के तट पर किया जाता है। राजभवन पांडे, तुलसी मंदिर चौक का पुजारी हूँ भगवान शिव मंदिर का। राजभवन पांडे, साउथ मलाका, प्रयागराज। आज यहाँ पर पूजा करने के लिए कितने लोग आपके साथ हैं, उनका नाम बताइए। परिवार, आसपास के लोग हैं। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पर सारे लोग हैं जो मेरे साथ पूजा में सम्मिलित हैं। अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। इलाहाबाद से, और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन खास पूजा के लिए मैं अपने घर में शहर आई हूँ। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि इसी कामयाबी और गंभीर को छुए हम पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे पार्टी में हम नाम रोशन करें, खूब सारी खुशियाँ बांटें, लोगों को प्यार दें, लोगों को प्यार पाएँ। बस आशीर्वाद राजनीतिक शास्त्र विभाग में इस वर्ष भी शानदार परिणाम हासिल किया। जी हां, हरियाणा के अंबाला के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एमए राजनीतिक शास्त्र और बीए ऑनर्स राजनीतिक शास्त्र की वरीयता सूची में महाविद्यालय की एमए द्वितीय वर्ष की सलोनी ने 75% अंकों के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार महाविद्यालय की बीए ऑनर्स राजनीतिक शास्त्र की कृष्णा ने 82% अंक प्राप्त करके कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के 9वां स्थान प्राप्त किया, और बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं तौकीर ने 90% प्रथम स्थान, काजल ने 85% चौथा स्थान, और एकता ने 84% पांचवां स्थान अंक प्राप्त करके महाविद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गुरुप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त करके महाविद्यालय के नाम को रोशन किया। इस सफलतापूर्वक प्रदर्शन पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्य ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दिया। इस अवसर पर डॉक्टर शशि, डॉक्टर अमनीत, सरिता चौधरी, मीनाक्षी, आस्था और रजनी उपस्थित रहे। अंबाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कायम रख रहे हैं, और अभी एमए राजनीति शास्त्र का जो रिजल्ट आए उनमें यूनिवर्सिटी जो वरीयता सूची जारी करती है, मेरिट लिस्ट जारी करती है, उसमें पुनः आर्य गर्ल्स कॉलेज ने अपना नाम जो है उसमें दर्ज कराया, और महाविद्यालय के लिए ये बहुत गौरव की बात है। मैंने अभी कहा कि हमारी परंपरा है कि हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडलिस्ट देते रहे हैं, और ये आज की नहीं, सदियों से जब आर्य गर्ल्स कॉलेज में ये आर्य गर्ल्स कॉलेज का ये विभाग राजनीति शास्त्र जो 72 में शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, और अभी अभी जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, जो हमने मेरिट लिस्ट प्राप्त की एमए राजनीति शास्त्र 4th सेमिस्टर, क्योंकि वो हम उसको कंपाइल करके जब यूनिवर्सिटी रिजल्ट देती है
तो हम गोल्ड मेडल से थोड़ा सा पीछे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम गोल्ड मेडलिस्ट की कतार में खड़े। सेकंड पोजीशन हमने हासिल की और परसेंटेज हमने ली 75% के साथ। हमारी स्टूडेंट, हमारी लड़की सलोनी जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, इसी में अनामिका 71% के साथ उसने 15वीं पोजीशन प्राप्त की और 70% पे 19वीं पोजीशन प्राप्त की इंदु बाला ने। एक सबसे बड़ी देखने की बात है कि परसेंटेज में जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है, सिर्फ 4-5% में 1 से लेकर 20 तक जो है वो सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाते हैं। तो हमारे गर्ल्स कॉलेज, उनके जो डिपार्टमेंट है, जिनके HOD हैं डॉक्टर अमनीत, जो PRO हैं अमन मैडम और डॉक्टर शशि दवीजा मैम, और सारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए वो बहुत बधाई का पात्र है। इसके साथ ही ये मैंने आपको बताया MA फाइनल के रिजल्ट, MA प्रीवियस के रिजल्ट आए जिसमें हमने 5 पोजीशन हासिल की। 7वीं पोजीशन नेहा सैनी जो कि 76.6% के साथ 7वीं पोजीशन उसने प्राप्त की। इसके बाद अगली पोजीशन 8वीं पोजीशन हमने ली, वो 76% के साथ वंदना धीर की। और मैंने अभी जैसे कहा कि सिर्फ 6.6 के साथ हम 7वीं और 8वीं पे बैठे हैं, इसी तरह का मार्जिन हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में। दीक्षा 11th पोजीशन लेकर 74% के साथ आई। 73% के साथ 17वीं पोजीशन नितिमा, आप देखिए 73 और 74 में 11वीं और 17वीं 6 बच्चे इसके बीच में आ गए। और इसी के साथ 72.4 19वीं पोजीशन पे सुमन, ये हमारा MA का रिजल्ट था जो मैंने कहा वह बेहतरीन, हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा BA ऑनर्स, हमारे पास है BA ऑनर्स और वो भी पॉलिटिकल साइंस में है, राजनीति शास्त्र में है, उसमें कृष्णा सिंह है जो कि 82% के साथ 9वीं पोजीशन पे आए। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी का सपना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हरियाणा सरकार का वो शायद पूरा हो रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी परसेंटेज जो है वो कभी कभी देखने को मिलती है और खासकर सोशल साइंसेस में। इसके साथ और जो बहुत ज़्यादा खुशी की बात, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपना BA 1 ऑनर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया था अभी 2 दिन पहले, सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें हमारी स्टूडेंट का अभी हमें 10-15 मिनट पहले वो मेरिट लिस्ट प्राप्त हुई। हमारी स्टूडेंट है तौकीर, उसके परसेंटेज है 89.75 यानी 90% और उसने 1st पोजीशन हासिल की। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। और इसके साथ ही साथ 4थी और 5वीं पोजीशन को भी हमने ही प्राप्त किया। 4थी पोजीशन पे काजल 84.75 यानी 85% और 84% पे एकता जिसने कि 5वीं पोजीशन हासिल की। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में आर्य गर्ल्स कॉलेज ने पुनः जो है वो बहुत अपने सुनहरे कदम रखे। और इसके साथ जो है मैंने पहले कहा कि महाविद्यालय की सारी छात्राएं बड़ी बधाई की पात्र हैं। और GMN कॉलेज के 1 साल बाद मेरा पड़ोसी कॉलेज है और बहुत अच्छा कोएड कॉलेज है, 72 मेरा और 73 उनका। और इसके साथ उनकी भी मेरिट पोजीशन होगी क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो मेरिट लिस्ट दी है। पर मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जो इस वक्त आर्य गर्ल्स कॉलेज की पोजीशन है वो वाकई काबिले तारीफ है। सबकी अच्छी होंगी लेकिन मेरी पोजीशंस बहुत अच्छी हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, हालांकि डेडो साहब हम हर साल इतनी पोजीशंस लेते हैं लेकिन इस बार हुआ ये कि सिर्फ 5 नंबर 4 नंबर अगर मैं कहूँ उससे हमने गोल्ड मेडल खोया है। और ये वायदा है अमनीत मैडम का मेरे साथ कि अगले बार वो गोल्ड मेडल वापस हम लेकर आएंगे, तो सिर्फ 4 नंबर के साथ, अदरवाइज हमें कोई अफसोस नहीं। 7th भी हमारी, 8th भी हमारी और हमारे लिए आर्य गर्ल्स कॉलेज के लिए। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वैसे तो बहुत नाम कमा रहा है, बहुत आर्य गर्ल्स कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है पिछले बहुत समय से करीबन, लेकिन हमारा एक स्टूडेंट है गुरप्रीत, और अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो विद साहब के साथ दी थी, तो वो मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात थी, मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। गुरप्रीत कौर ने, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, गोल्ड मेडल, वो वेट लिफ्टिंग की स्टूडेंट है। और एक बात कि लड़कियाँ
वेट लिफ्टर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और अब जो गोल्ड मेडल इसको मिला हरियाणा स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप अभी जो रिसेंट दो दिन पहले ये लेकर आई है उनको बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इस बच्चे ने ऑनर्स अपने आप में टफ होता है क्योंकि बीए जनरल पास कोर्स में एडमिशन लेना और ऑनर्स में एडमिशन लेना ऑनर्स में लेना है। और गुरमीत मैडम और आस्था चार ऑनर बोर्ड है और वो भरने वाले हैं और अब नया ऑनर बोर्ड लगाना पड़ेगा आरती मैम। बहुत मेरिट लिस्ट हम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी को देते हैं तो आप जाके जरूर देख के जाना कि वो मेरिट लिस्ट में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में आर्य गर्ल्स कॉलेज की क्या पोजिशन रही क्या स्थिति है। मेरे पास कोई बर्ड बी ए फाइन कौन सी गेम में आपको अचीवमेंट किस तरह से आपने तैयारी की और कैसे ये मुकाम हासिल किया? सब कुछ मैम कट तुम जब मैंने स्टार्टिंग में बीए में एडमिशन लिया था तब मेरे को थोड़ा था कि स्पोर्ट्स करना है लेकिन फिर मेरे को ये नहीं गाइड नहीं पता था कि कौन से स्पोर्ट्स में जाना। उस दौरान मैम जो है मेरे वो कॉलेज आते थे वो ट्रेनिंग करने रहे आते थे तो फिर मेरे को था कि मैं सीखूँ। फिर धीरे धीरे मैंने मैम के पास सीखी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था जब गाँव से फिर धीरे धीरे मेरे को मैम ने गाइड किया जो कि मैं क्या आप कॉलेज की ओर से ही खेलती हो कि बाहर स्टेडियम वगैरह किसी भी एनी नहीं मैं कॉलेज की ओर से भी खेलती हूँ मैं बाहर से भी खेलती हूँ ओपन टूर्नामेंट जीत और मैं कॉलेज की तरफ से कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। आप कितने साल से कर रही है? दो साल हो चुके हैं। दो साल हो गए जी। आप प्रैक्टिस मतलब कितनी एक ही स्टेडियम से कर रहे हैं जहाँ अलग अलग से? हाँ जी मैडम ने कहा है कि आपको हम ट्रेनिंग एक जगह और से भी आप लेते हो? इसका क्रेडिट आप किस किस को दोगे? मेरे पेरेंट्स मेरे मैम मेरे कॉलेज के टीचर्स जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे खासकर मेरे मैम जो मुझे हर चीज़ में गाइड करते हैं। मैं कभी ऐसा भी होता है ना कि मैं गिर गई आज हार मान रही हूँ लेकिन मैम हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कोई बात नहीं एक दिन हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। मेरा नाम अमिताभ है मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डेवलपिंग कोच हूँ। आया बेटा ये आज मैं यहाँ पर ये मेरी बच्ची है का आर्य गर्ल्स कॉलेज में जिसमें ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया है और अभी 7-8 सितंबर को कैथल काउंसिल में स्टेट लेवल का पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इसने 2 मेडल प्राप्त किए एक गोल्ड 81 kg में और सीनियर्स में 81 kg में ही सेकेंड मेडल प्राप्त किया है और इसके साथ ही हमारी गर्ल्स ने सब जूनियर में ओवरऑल फर्स्ट चैम्पियनशिप और सीनियर्स में सेकेंड चैम्पियनशिप प्राप्त की है। ये बच्ची बहुत मेहनत करती है गुरप्रीत जैसे में आज हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं और कॉलेज वालों ने मुझे स्पेशल बुलाया है और सब इस बच्ची की वजह से। कैसे ट्रेनिंग देते थे क्या डाइट वगैरह रखते थे और हरियाणा सरकार की नीतियों को आप कैसा मानते हो? पीछे कुछ समय से मतलब हमारे पास स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने हमारे खेल विभाग है मंत्री अनिल विज जी ने खेल मंत्री हमारे हमें काफ़ी फैसिलिटी दी है। पहले हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स की कमी थी लेकिन जब से वो इक्विपमेंट आई है बच्चों की उससे परफॉर्मेंस में बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसी की वजह से है जो आज ये बच्चे मेडल प्राप्त कर पाई हैं क्योंकि फैसिलिटी के बिना तो मेडल प्राप्त करना मुश्किल थोड़ा हो जाता है लेकिन ओवरऑल काफ़ी फैसिलिटी मिली है हमें जितना हमें चाहिए उतना तो हमें मिल रहा है। कैसे ट्रेनिंग कराई जाती थी डाइट वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाता था क्या कुछ? इसमें ये बच्ची मेरे पास सुबह शाम प्रैक्टिस करती है 4 घंटा सुबह 4 घंटे सुबह 5 बजे मेरे पास आती है स्टेडियम में राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग देती है और शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक कम से मेरे पास रहती है। रही डाइट की बात डाइट कुछ हमारी जो घर की होती है वो बहुत अच्छी है इसके घर की वो ले रही है बहुत मेहनत कर रही है स्पेशल डाइट का इतना रोल नहीं होता जितना मेहनत का रोल होता है डेडिकेशन से जो प्रैक्टिस करता है उस पर आगे डाइट भी कुछ
मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो कोच का। जब जब अपना बच्चा सक्सेस होता है उनको बहुत, आपको कैसा लग रहा है उनके सक्सेस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही इतना मैं तो ये कहूँगी कि इस बच्चे की वजह से सम्मान इतना जो मुझे मिल रहा है आज, इस बच्चे की वजह से स्पेशली मैडम जिन्होंने मुझे स्पेशल 10 बार फ़ोन कर करके बुलाया कि मैम आप आइए आप आइए, अरे इस बच्चे की वजह से आज इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ओके थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम तौकीर नाज़ है और मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ अभी तो, और मेरे बीए सेकंड सेम में 90% मार्क्स आए हैं और इसमें मेरी मेहनत तो है ही, और फिर टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है, अच्छे अच्छे नोट्स उन्होंने बनवाए हैं हमारे मेरे लिए, तो फिर वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। किस सब्जेक्ट में? किस स्ट्रीम में? स्ट्रीम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर का। मेरी वही टीचर्स मीनाक्षी मैम, गुरमीत मैम, अमनीत मैम, अनीता मैम, सुनीता मैम, ये सारे टीचर्स ने पढ़ाया है अपने अपने सब्जेक्ट्स में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट पोजीशन आई है यूनिवर्सिटी में, जैसा लगना चाहिए अच्छा। टीचर्स अच्छे मिले हैं ना इसलिए पढ़ाते हैं। ओके थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हो ये पोजीशन लेके, आप कैसा महसूस कर रहे हो? आगे का क्या रहेगा, आगे कितनी मेहनत करोगे? आप ये कॉलेज के जो लड़की है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? ओके थैंक यू। अभी के समाचार जानेंगे, आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण अभियंता विभाग शाहजहाँपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक प्रमुख विकास खंड सिंधौली शाहजहाँपुर से सुनीता यादव, पति फिरोज सिंह उर्फ कल्लू व प्रधान ग्राम मोर्चा अरुण दीक्षित व पूर्व प्रधान राकेश यादव ग्राम सैजना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़े खबरों पर। मोटी रकम लेकर थाना अध्यक्ष ने हत्यारों को किया रिहा। जी हां, प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि हम आपको बता दें कि थाना तरवई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा हसनपुर कुरारी मिखा मामला सामने आया है। यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 18 अगस्त दिन रविवार को रात्रि में 4 से 5 लोग घर में घुसकर संतोष और उसकी पत्नी सीमा देवी की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार और ग्रामवासी का आरोप है कि थरवई थाना के थाना अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने सभी हत्यारों से मोटी रकम लेकर छोड़ दिया और उसके बदले पीड़ित परिवार को और ग्रामवासियों के लोगों को थाने में ले जाकर मारते और पीटते हैं और गाली देते हैं और जबरदस्ती बुलवाते हैं कि बोलो हत्या तुम लोगों ने की, लेकिन ग्रामवासी लोग इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब आप हमारी जान ले लो, लेकिन हम लोग ये गलत आरोप ऊपर नहीं लेंगे। थरवई थाना के थाना अध्यक्ष कुलदीप तिवारी पीड़ित परिवार को धमकी देते हैं, अगर किसी उच्च अधिकारी और सांसद विधायक के पास जाओगे तो तुम सब जेल में डालकर बंद कर देंगे। ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष कुलदीप तिवारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। भदोही से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आपके भाई की हत्या कर दी गई, उस संबंध में क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ सर कि हमको न्याय चाहिए, हमारा भाई मेरा भाई का हत्या हुआ है, हमको न्याय चाहिए सर। थाना थरवई द्वारा क्या मदद की गई अभी तक? थरवई द्वारा कोई नई मदद की गई है,
और उल्टा थरवाई नहीं कर रही है तो हम संसद विधायक के पास जा रहे हैं। कल आके हमको धमकी दे रहे थे कि संसद विधायक मुख्यमंत्री के पास जाते हो, अब मैं अपना पावर दिखाता हूँ, तुम लोग को चार दिन के अंदर तोड़ैया करके बंद करूँगा। कौन कह रहा था ये? ये कुलदीप तिवारी यशो जो हैं। कब आए थे? कल आए थे रात को 9 बजे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब घर के ताला वाला खुलवा के चेक किए, चेक करने के बाद फिर चले गए। वही बोल रहे हैं कि अब कहीं आप जाएंगे तो आप ही को मैं जेल भेज दूंगा, थाने द्वारा धमकी चमकी दे रहे हैं। कोई मदद यशो थरवाई द्वारा नहीं की जा रही? कोई मदद नहीं हुआ सर, हमको धमकी चमकी खुद देते हैं, कहीं जाओगे तो हम खुद तुमको अंदर कर देंगे। उसमें कोई मुलजिम पकड़ा गया था? एक पकड़ा गया जो हत्या किया सर, उसको जो है 10 दिन बंद करके उसको छोड़ दिए हैं, पैसा कौड़ी लेकर लोग। क्या हत्या वही किया था? हाँ सर, हत्या वही किया है, और उससे बयान नहीं ले रहे, न मार रहे हैं, न कुछ पूछ रहे हैं। और कोई समस्या है आपकी पुलिस द्वारा? समस्या सर यही है, रात बिरात उसको छोड़ दिया हमारे जगह, अपने भाई जगह, हमको लोग को भी हत्या कर दिया जाए, कौन जिम्मेदार होगा सर? है आपकी समस्या ये है कि 7 बजे पुलिस आई थी जी, हमारे सामने घर के पास खड़े हो गए, और कह रहे हैं कि फलाने यहाँ आओ, तो हम कहे किस लिए बुला रहे हैं, तो कहें अच्छा कहें दुकान बंद करके आइए, दुकान बंद करके गए न भैया, हमारे घर में घुसे हैं, हमारे पतो से मोबाइल नंबर मांगते थे, हम लोग कहें लोग के नहीं मांगे, इसलिए हमारे आदमी पकड़ लिया। तो क्या हुआ उसके बाद पकड़ ले गए? तो रात भर रखे रहे, सवेरे छोड़े नहीं पुलिस से, और परेशान बट्टा उठा ले गए। और क्या किया? और धमकी देते रहे। क्या धमकी देते हैं? ससवाए रहे कि बोलो कौन मारा है, उसके औरत से संपर्क था, तुम ऐसे ऐसे रहे, उल्टा सीधा घुमा के उससे पूछ रहे हैं, जब ये नहीं तो कहाँ डरे भाई। आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगा, और आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।